मान ही मेरा ही है, मेरे कमली वाले की शान ही मेरा ही है, मेरे कमली वाले की शान ही मेरा माशाल्लाह। इसी तरह बुलंद आवाज से सब शरीक हों। मेरे कमली वाले की शान मेराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी वाली है, खुल्द जिसको कहे सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान निराली है। ये यकीनन मेरा ईमान है, और जिसकी मार्फत ऐसी हो उसका ईमान ऐसा होता है जो रसूल के मर्तबे को समझने की कोशिश करे। अब क्या मेरी ताकत है कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकूं? क्या आप में ताकत है? नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी ताकत हमारे सीनों में है उतनी ताकत से तो हम पढ़ सकते हैं ना, अपना हक तो अदा करने की कोशिश कर सकते हैं। जरा ऊंची आवाज से एक बार पढ़े, मैं आपको एक शेर पेश कर रहा हूं। मेरे कमली वाले की शान ही मेरा माशाल्लाह है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि इनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि इनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, मेरे कमली वाले की शान। से निकलकर अशरे मगफरत के अंदर दाखिल हो गए हैं और अपनी मगफरत करानी है, तो अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आले बहते अतहार का वास्ता दे दिया तो खुदा बहुत जल्द राजी हो जाता है। तो आइए अपने ईमान के साथ अशरे मगफरत में सिद्ध के दिल से अल्लाह से तोबा करते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा और ये मिसरा मेरे साथ मिलकर दोहराइएगा जिसके दिल की आवाज है। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, है ना? हम सबका ईमान। तो एक बार फिर ऊंची आवाज से बोले, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, उनके रब ने उनकी कब कोई बात टाली है,
उनके रब ने कब उनकी कोई बात डाली। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, हर तरफ मदीने फकीरों की, हाँ हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला माशाल्लाह माशाल्लाह, एक देने वाला है सारा जग सवारी, एक देने वाला है सारा जग सवारी है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है सारा जग सवारी, कमली वाले की शान ही निराली है माशाल्लाह।